कई माताओं की आदत है, कई भाई लोगों की आदत है, दो तीन महीना मंदिर गए, दो तीन महीना शिव जी को जल चढ़ाया, दो तीन महीना शंकर जी का पशुपति व्रत कर लिया, दो तीन महीने शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगा ली, दो तीन महीने शंकर जी के मंदिर में पोछा लगा लिया, दो तीन महीने मंदिर में गए जल चढ़ाया, दो तीन महीने आरती में भी शामिल हो गए, दो तीन महीना शंकर जी का व्रत उपास भी कर लिया, दो तीन महीना प्रदोष का व्रत भी कर लिया, दो तीन महीना शिव जी की आराधना कर ली, और तीन महीने के बाद फिर आराधना बंद कर, अब ना तो मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाएगी, अब ना सोमवार का व्रत करेगी, अब ना पशुपति व्रत करेगी, अब ना कोई मंदिर में जाकर झाड़ू लगाएगी, ना पोछा करेगी। उससे पूछा गया, क्यों भाई? अरे ओ जी, तूने मंदिर जाना क्यों बंद कर दिया? अरे भोलानाथ जी हमारी सुने ही नहीं। अच्छा, भोलानाथ जी नहीं सुना तो तूने मंदिर जाना बंद कर दिया? हो, अब मैं काय को मंदिर जाऊं, मैं काय को जल चढ़ाऊं, अब मैं काय को लोटा भर के पानी चढ़ाऊं, भोलानाथ जी तो मेरी सुने ही नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। शबरी ने, माता शबरी, माता हिल्या और विभीषण, ना तो माता शबरी को मालूम था कि राम आएंगे, ना माता हिल्या को मालूम था कि राम आएंगे, और ना विभीषण को मालूम था कि राम आएंगे, पर इनके गुरुओं ने इनसे कह दिया था। शबरी मैया को मातंग बाबा ने कह दिया था कि तू रोज झाड़ू लगा, रोज बुआरी लगा, रोज सफाई कर, राम आएंगे। अहिल्या से गौतम बाबा ने कह दिया था राम आएंगे, चरण रज चढ़ेगी और तुझे मुक्ति मिलेगी। विभीषण ने शिवजी के मुख से सुन लिया था कि राम आएंगे और तुझे दर्शन मिलेगा। अब कब आएंगे कोई भरोसा नहीं, कितने बजे आएंगे कोई भरोसा नहीं, कौन सी तिथि को आएंगे कोई भरोसा नहीं। अब सबरी मैया ने भी बाट जोई, इंतजार करा, अहिल्या माता ने भी इंतजार करा, विभीषण ने भी इंतजार करा। रोज माता शबरी झाड़ू लगाती है, बुआरी लगाती है, सेज बिछाती है, रोज माता शबरी बेर तोड़ कर लाती है प्रतिदिन, रोज सबरी बेर लाए झाड़ू लगा। अरे शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाए राम जी। गई बागों से चुन चुन के शबरी बेर ला रही, अरे खट्टे हो चाहे मीठे हो खाएंगे राम जी। शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। कर रही है रोज प्रतीक्षा। गुरुजी ने कहा था कि तू रोज झाड़ू लगा, रोज पोछा लगा, रोज दरवाजा साफ कर, रोज रंगोली डाल, रोज फूलों की सेज बिछा, कभी तो राम आएंगे। इस व्यासपीठ ने, ये शिव महापुराण ने हर बार आपको एक ही बात किया कि मंदिर में जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। व्यासपीठ ये नहीं कर रही है कि तुम चार महीना करना, कि तीन महीने करना, कि पांच महीने करना, कि सात महीने करना। तुम उसके दरवाजे जाते रहो, जाते रहो। जैसे शबरी रोज बेर तोड़ के लाती थी, उसको लगता था आ जाएंगे, रोज बेर तोड़ के लाई, उसको लगा आ जाएंगे, रोज झाड़ू लगाई आ जाएंगे, रोज सेज बिछाई आ जाएंगे, रोज बुआरी लगाई आ जाएंगे, रोज बेर तोड़ते 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 बचपन जवानी अधेड़ी निकल गई। तब उसकी प्रतीक्षा करते 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 जब समय हो गया, तो प्रतीक्षा का एक दिन अंत जरूर होता है। जैसे प्रतीक्षा करते करते जब सबरी थक गई, तब सबरी के दरवाजे पर राम आए। तुम जिस दिन लोटा भर के जल चढ़ाते 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 तुम्हारा जीवन निकल जाए, तब समझ लेना कि शिव का दर्शन तुम्हें होगा जरूर। ये निश्चितता, ये निश्चितता। अब करो भजन शंकर का। आप करो उसका स्मरण, और जब हम शिव भक्ति की ओर अग्रण्य हो जाएंगे, जब शंकर जी की भक्ति की ओर आगे बढ़ जाएंगे, शिव मिल जाए। शबरी मैया ने रोज बुआरी लगाई, प्रतीक्षा करते 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 करते, इंतजार करते करते समय बीत गया, राम जरूर आए। अहिल्या माता ने पत्थर के रूप में पड़ी रही, इंतजार करती रही, प्रतीक्षा करती रही, राम के चरण की रज जरूर मिल गई। और विभीषण
इंतजार करता रहा, राम आएंगे, शिवजी के मुख से सुना है राम आएंगे। और विभीषण के दरवाजे पर राम पहुंचे, अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, आपने अगर कोई नियम बनाया है, आपने अगर कोई नियम धारण करा है कि मैं रोज मंदिर जाऊंगी, तो तुम्हारे नियम को एक ना एक दिन पूरा करने के लिए, समापन करने के लिए, उस नियम का उद्यापन करने के लिए मेरा महादेव जरूर तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा होगा, ये निश्चित था।